हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी, जो कि बहुत जल्दी बनने वाला है और बहुत कम टाइम के साथ बहुत स्वादिष्ट भी बनने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कतला फिश यूज की हूँ। तो 5 से 6 पीस यहाँ पे कतला फिश को मैं अच्छे से साफ कर ली हूँ। उसके बाद मसाले के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और कुछ मिर्चा ली हूँ। पहले यहाँ पे हम मछली में एक मैरिनेशन देंगे, जिसके लिए कुछ हल्दी का पाउडर, कुछ लाल मिर्चा का पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक और कुछ नींबू के रस के साथ इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैं पहले यहाँ पे चम्मच के सहारे उसको मिक्स करने को कोशिश की, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। सो मैं क्या की ना, अपने हाथ के मदद से, जैसे कि हर मछली में हमारा जो मैरिनेशन चीज है लग जाए, इसलिए हाथ में ही उसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो यहाँ पे हमारा मैरिनेटेड मछली तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं हम हमारा मसाले की तरफ। तो जो चीज हम यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चा रखे थे, सारा एक ही मसाला जार में ले लेंगे। और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सारा चीज एक जगह पे आ गया है, उसके बाद हमारा जो रेगुलर मसाला होता है, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया, फिर थोड़ा लाल मिर्चा पाउडर, कुछ धनिया पाउडर, और उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मछली का पाउडर भी था, तो फिश करी पाउडर भी मैं यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा पानी लेके उसको एक फाइन पेस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा ग्रेवी के लिए पूरा तैयार है। तो अब चलते हैं मछली को फ्राई करने की तरफ। तो एक कढ़ाई में कुछ तेल ले ली हूँ, तेल जब गर्म हो जाए थोड़ा हल्दी डाल दी हूँ कि मछली जब हम डायरेक्ट तेल में डालेंगे वो छिटक के हम पे नहीं आएगा, और फिर धीरे धीरे करके सारा मछली को तेल में डाल दी हूँ। वो जो मैरिनेशन वाला पानी था वो भी मैं यहाँ पे नहीं फेंक रही हूँ, जो ग्रेवी बनाऊंगी उसी में मैं ऐड कर दूंगी। ये भी एक अच्छा कलर और फ्लेवर मछली के ग्रेवी में देगा। तो ऐसे ही उलट पुलट करके चारों तरफ से हमको मछली को अच्छे से फ्राई कर देना है। एक तरफ मेरा यहाँ पे हो चुका है, तो दूसरी तरफ मैं अभी उसको सेक ले रही हूँ। यहाँ पे मछली मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसमें एक लाल कलर का कोटेड आ चुका है। तो इसी फेज में मैं मछली सारा निकाल दी हूँ एक प्लेट में। तो ये हमारा रेडी हो गया है मछली फ्राई। तो नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं हमारे ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए मैं एक कढ़ाई गरम कर रही हूँ और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ले लूंगी। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे। जीरा जब अच्छे से तेल में भून जाए तो उसी फेज में हम डायरेक्टली हमारा जो पेस्ट बनाए हैं वो पेस्ट को डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा हल्दी डालने के लिए मैं भूल गई थी, और हमारे मसाले में भी हल्दी था, इसीलिए मैं डायरेक्ट मसाला डाल दी, तो थोड़ा सा तेल ऊपर से छिटक रहा था। तो ये यहाँ पे थोड़ा धीरे करना है। फिर जो हमारा मैरिनेशन वाला पानी था उसी को मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमें बाकी सारा मसाला तो डाला हुआ है, बस नमक नहीं डाली थी। तो स्वाद के हिसाब से मसाले में जितना नमक चाहिए उसी हिसाब से नमक डाल दी। बस नमक डालने के बाद इसको अब अच्छे से मैं पका लूंगी, जो कि 3 से 4 मिनट लगेगा मुझे पकाने के लिए। और जब तक हमारा सारा पानी ना सूख जाए और मसाला तेल छोड़ना ना शुरू हो जाए, तब तक हमें पकाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा देर कवर देके भी पका ली हूँ, जैसे कि जो अदरक, लहसुन, प्याज ये सब का जो कच्चापन रहता है वो जैसे हमारा ख़त्म हो जाए। वो मसाले से ख़त्म होने के बाद जब हमारा मसाला ऐसे ही तेल छोड़ना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम हमें पानी दे देना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा पानी दे रही हूँ, क्योंकि मछली का जो झोल होता है वो मुझे पतला पसंद है। तो जिसको कम मसालादार बनाना है वो कम पानी भी दे सकता है।
तो जब पानी में एक उबाल आने लगे उसी टाइम में ही हमें जो फ्राई किया हुआ मछली है उसको हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं मछली और आलू का झोल बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक आलू को भी मैं अच्छे से भून के अच्छे से फ्राई करके रखी थी, तो उसको भी मैं डाल दे रही हूँ वही ग्रेवी में। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सब रेडी है, बस दो से तीन मिनट हम लोग को ऐसे ही पका लेना है। बस हो गया हमारा यहाँ पे मछली का झोल रेडी। तो यहाँ पे कुछ धनिया पत्ते के साथ गार्निशिंग करते हुए हमारा रेडी हो गया मछली का झोल, जो कि मुझे चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो रोटी के साथ भी इसको खा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय।